पहला करंट लगा लगा मारिया पति। दो दिन तक पति दी घर च पई रही लाश, फिर आप पुलिस नू फोन कर दिती जानकारी। पत्नी ने बेरहमी नाल पति दा कीता कतल। दस दे के वड्डी वारदात वापरी है जिथे पत्नी ने अपने पति दा करंट लगा लगा के कतल कर दिता है। ते दो दिन तक उसके पति दी लाश कमरे च ही पई रहिंदी है। फिर उस वालों पुलिस नू फोन करके जानकारी दिती जांदी है कि उसने अपने पति दा कतल कर दिता है। जिस तो बाद मौके ते पुलिस पहुंचती है ते लाश नू कब्जे दे विच लिया जांदा है। दस दे के मृतक दा नाम नीरज है जो कि बेल्डिंग दा काम करदा सी। ते उसकी पत्नी ने पुलिस नू फोन करके जानकारी दिती कि उसने अपने पति दा कतल किया है। ते जदों वह सुत्ता पिया सी तां उसके वालों लगातार करंट लगा लगा उसनू मार दिता है। दो दिनों तो पति की लाश घर विच पई है ते मैनू आके गिरफ्तार कर लो। जिस तों बाद पुलिस की टीम मौके ते पहुंचती है ते लाश नू कब्जे दे विच लैके औरत नू गिरफ्तार कर लिया जांदा है। मिली जानकारी अनुसार पत्नी ने दस्या कि पति रोज शराब पी के घर आउंदा सी ते उस नाल लड़दा सी ते कुटमार भी करदा सी, जिस तों पत्नी बहुत परेशान सी ते जद रात दे समय उह नशे दे विच आउंदा है ते आके सो जांदा है। जिस तों बाद उसके पैर बन दिंदी है ते उसके लगातार करंट लगाया जांदा है जिस नाल उसकी मौत हो जाती है। दो दिन तक वह किसी नूं भी नहीं दसदी ते जदों लाश दे विचों बदबू आउण लग जाती है तां उस वल्लों पुलिस नूं फोन करके इस संबंधी जानकारी दी जाती है। दस दिए कि मामला आगरा दा जिथे पति तो तंग पत्नी ने करंट लगा लगा के बेरहमी नाल पति की जान लै ली गई, जिस तों बाद खुद पुलिस नूं फोन करके इस संबंधी जानकारी दी जाती है। दस दिए कि पति तो परेशान सी पत्नी, जब नशे की हालत के पति आता है तो वह सो जाता है, जिस तों बाद उसके पैर बन दिंदी है, हथ बन दिंदी है तो उसके करंट लगाना शुरू कर दिंदी है तो पति की तड़फते हुए जान चली जाती है। जिस तों बाद दो दिन तक उसकी लाश कमरे के पई रहती है तो जब लाश के बदबू आने लगती है तो पत्नी पुलिस को फोन करके इस संबंधी जानकारी दिंदी है कि मैंने अपने पति का कतल कर दिता है, मैनू आके गिरफ्तार कर लो। जिस तों बाद मौके पर पुलिस पहुँचती है तो लाश को कब्जे के लेंदी है तो हुण उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। अजी सिंह अच्छा हुआ है, अभी हमें सूचना मिली है सुबह के ऐसे से बात हो गई है नीरज ने, मतलब ऐसे से हादसा हुआ है घर में, हमें आके पता लगा है कि ऐसी ऐसी बात हुई है लेकिन इसकी हत्या की गई है, करंट लगा दी। पैर में निशान थे कैसे? पैर में चोट के निशान है, बाकी जानकारी हमें नहीं है, हमें चोट के निशान मिले हुए हैं, हमें बॉडी भी हमने भी देखी थी थोड़ी बहुत देखी। यहाँ पे इसको तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। पत्नी की हमें जानकारी नहीं, लेकिन हमें सूचना पुलिस वालों के अनुसार मिली है कि वो थाने गई हैं, थाने में जाके इन्हें क्या करा क्या नहीं करा वो हम अभी आके देखा हमने भी उसकी बॉडी भी नहीं देखी है, थोड़ा सा हमने झलक देखी है, उसमें चोट के निशान देखे। कब से यहाँ पे अकेले रह रही है? ये अकेले रह रहा है, 5-6 साल से अकेले रह रहा है। घरवाली है, घरवाली ने बोला कि आप अकेले रहो तो वो अकेले रह रहा गाँव से छोड़ के, रहने वाले ये वहाँ के बरेन के एटा साइड के। क्या आपको लगता है कि पत्नी ने हत्या की है? सरासर पत्नी ने की है बिल्कुल 100%। क्यों मार दिया पत्नी? अब ये जानकारी हम नहीं कह सकते, हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता क्योंकि हम भी यहाँ रहते नहीं हैं, हम भी बाहर रहते हैं। इनके बच्चे भी हैं? हाँ, इनकी दो बेटियाँ हैं। घर से अलग रहते हैं? घर से बिल्कुल अलग रहते हैं, माँ बाप भाई बहन सबसे अलग रहते हैं। देखिए आज दिनांक 18 दिसंबर 2023 को थाना सदर पर सूचना मिली कि मुस्तफ़ा क्वार्टर्स में एक पुरुष की डेड बॉडी मिली है और इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सदर और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया और बॉडी में कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं थे, लेकिन प्रथम दृष्टया ये देखने में मालूम पड़ा कि बॉडी को शॉक दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है। जब मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई तो पत्नी ने कन्फेस किया कि आपसी कलह के कारण पत्नी परेशान थी और पत्नी ने 16 दिसंबर की रात को मृतक को बांध के और उसके पैर में शॉक दे के इलेक्ट्रिक करंट दे के उसकी हत्या की और शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।